हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गेट टेक। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना मीशो पे ऑर्डर को रिटर्न कर रहे हो और आपको नहीं पता कैसे आपने अपने ऑर्डर को रिटर्न करना है और उसको रिटर्न करने के बाद कैसे आपको रिफंड मिलेगा, तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आप आसान तरीके से समझ के अपने आइटम को रिटर्न करके उसका रिफंड ले लें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको ऐसे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो साइड में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो हो जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने अपनी मीशो एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप अपनी मीशो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। ये अभी इसका होम पेज है। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपको अपने आइटम को रिटर्न करना है तो आपको जाना होगा माय ऑर्डर्स वाले ऑप्शन में। तो आपको माय ऑर्डर्स वाले बटन पे क्लिक करना है। जब आप माय ऑर्डर्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। जो भी ऑर्डर्स आपने मीशो एप्लीकेशन में किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर का एक कुर्ता ये मैंने ऑर्डर किया था। अब मैं आपको इसको रिटर्न करके दिखाऊंगा। रिटर्न क्यों कर रहा हूँ मैं आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों रिटर्न कर रहा हूँ। तो जो प्रोसेस मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा वही आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, जिस आइटम को आप रिटर्न कर रहे हैं आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑर्डर। तो दोस्तों आपने रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक करना है। तो अगर आप अपने आइटम को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख के सीख सकते हैं कैसे आपने अपने आइटम को एक्सचेंज करना है। तो आज के वीडियो में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने आइटम को रिटर्न करेंगे, तो मैं आपको अपने आइटम को रिटर्न करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो रीजन है मैं इस आइटम को क्यों रिटर्न कर रहा हूं, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए मैंने जो आइटम का इसका ऑर्डर किया था ये कैश ऑन डिलीवरी था। ऊपर आप देखेंगे स्क्रीन पे पेमेंट मोड में लिखा रहा है कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि सीओडी ऑर्डर मैंने किया था इसको। तो मैं इसका रिटर्न करूंगा तो उसका रिफंड जो होगा मुझे बैंक में मिलेगा या फिर यूपीआई आईडी मुझे ऐड करनी होगी उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे कि मुझे रीजन सेलेक्ट करना होगा, हम आ जाएंगे रीजन। तो हम क्यों रिटर्न कर रहे हैं, जैसे क्वालिटी इशू है मैंने सेलेक्ट कर लिया क्वालिटी इशू। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाएगा व्हाट डू यू वांट टू डू, यानी कि आपको क्या चाहते हो, आप रिटर्न करना चाहते हो या एक्सचेंज करना चाहते हो। तो एक्सचेंज का प्रोसेस क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इस ऑर्डर को रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैंने रिटर्न वाले उस पर सिलेक्ट कर रखा ऑलरेडी, एक्सचेंज में नहीं कर रहा हूँ इस आइटम को और एक्सचेंज यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है अभी। उसके बाद नीचे आपको आपका एड्रेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस देख सकते हैं कि करेक्ट एड्रेस है या नहीं। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे रिफंड वाले पेज पे, यानी कि आपको यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करनी होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मीशो पे ऑर्डर रिटर्न कर रहे हैं अपना तो आपसे यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल पूछी जाएगी, तो आपने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल एंटर कर देनी है या फिर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर कर सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको अगर नहीं पता कैसे आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर सकते हैं तो मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख के आप सीख सकते हैं और उसके बाद आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी अपनी बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे एंटर कर रखी है। आपको शो हो रहा होगा कि मैंने अपनी यूपीआई आईडी डिटेल भी एंटर कर रखी है और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल भी ऑलरेडी ऐड कर रखी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने अपनी यहाँ पे ऑलरेडी बैंक अकाउंट डिटेल और यूपीआई आईडी डिटेल ऐड कर रखी है। तो आप वो वीडियो देख के सीख सकते हैं कैसे आपने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल या यूपीआई आईडी डिटेल को ऐड करना है। जब आप उसको ऐड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस दिखाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बैंक अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं तो आपने बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू लेना चाहते हैं रिफंड तो आपने यूपीआई आईडी में सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बैंक में रिफंड लूंगा डायरेक्टली, तो मैंने बैंक को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके रिटर्न की रिक्वेस्ट चली जाएगी और उसके बाद एक दो दिन में आपका पिकअप हो जाएगा, फिर दो तीन दिन बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, थोड़ा सा डिले मिलता है रिफंड, और अगर आप यूपीआई आईडी सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंस्टेंटली रिफंड मिल जाता है। तो आपको ये देख लेना है कि अगर आपके पास यूपीआई आईडी है तो आप यूपीआई आईडी ऐड कर लें, वो ज्यादा बेहतर होगा अगर आपको जल्दी रिफंड चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली यहाँ पे अप्रूव्ड हो गई है। आप देखेंगे योर रिटर्न रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको बैक दिखा देता हूँ, बैक लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट जो है वो इनिशिएट हुई है नहीं हुई है। तो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे और आप यहाँ जाएंगे इसके स्टेटस में, तो यहाँ पे दिखा रहा है AWB जनरेटेड, यानी कि जो AWB है वो जनरेट हो चुका है। पिकअप अप टू 2 वीक कंप्लीटेड, यानी 3-4 दिन में पिकअप हो जाएगा, ऐसा ये बोलते हैं 3-4 दिन में, बट मोस्टली क्या होता है नेक्स्ट डे ही पिकअप हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने अपने रिटर्न की रिक्वेस्ट रेज कर देनी है और अपने आइटम को रिटर्न कर देना। रिटर्न होने के बाद आपको आपका रिफंड मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स मैंने जो आपको तरीका बताया, जो प्रोसेस बताया, बहुत ही सिंपल है। ऐसे आप अपने आइटम को रिटर्न करके मीशो से रिफंड ले सकते हैं। आपको मीशो से रिफंड मिल जाएगा आसानी से और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।